गुल्ली बुल्ली ने आज एक हेलीकॉप्टर को रेंट पे लिया है और इस हेलीकॉप्टर से गुल्ली बुल्ली सोन के नानी घर जाने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले सोन अपने नानी घर चला गया है और सोन ने यह फैसला किया है कि वो इस बार अपनी नानी को लेकर यहाँ आ जाएगा और इसलिए गुल्ली बुल्ली वहाँ जा रहे हैं। बुल्ली घर के बाहर हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर आ ही नहीं रहा है। बुल्ली को ऐसा लग रहा है कि शायद हेलीकॉप्टर नहीं आएगा। गुल्ली बुल्ली ने हेलीकॉप्टर को रेंट पे लेने के लिए काफी सारे पैसे भी दिए हैं और अगर हेलीकॉप्टर नहीं आएगा तो पता नहीं गुल्ली बुल्ली को सारे पैसे मिलेंगे या नहीं। लेकिन तभी अचानक से बुल्ली को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और बुल्ली उधर देखने लग जाता है। बुल्ली को दिखता है कि उधर से हेलीकॉप्टर इधर ही आ रहा है। बुल्ली हेलीकॉप्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली के घर के पास हेलीकॉप्टर उतर जाता है। बुल्ली हेलीकॉप्टर को काफी पास देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है और बुल्ली काफी एक्साइटेड है हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए। लेकिन तभी अचानक से पायलट उतर जाता है और पायलट कहता है, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठो और हम लोग हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके यहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ पर खड़े होकर क्या फायदा होगा, जल्दी चलो और जल्दी आ जाएंगे। और वैसे भी मुझे कल सुबह पनवेल निकलना है और उसके लिए मुझे अभी ही तैयारी करना होगा। चलो तो फिर जल्दी से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठो, मैं ज्यादा देर यहाँ रुकूंगा नहीं और अगर तुम ज्यादा लेट करोगे तो मैं यहाँ से निकल लूंगा। ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है कि ऐसा तुम नहीं कर सकते, हमारे साथ गुल्ली भी जाने वाला है और गुल्ली घर के अंदर कुछ पैकिंग करने में लगा हुआ है, शायद वो बैग के अंदर कुछ खाने पीने का सामान रख रहा है, तुम्हें थोड़ा देर रुकना ही होगा और अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम लोग तुम्हारे मालिक को कंप्लेन कर देंगे कि तुम हम लोगों को लेकर नहीं गए जहाँ हम लोगों को जाना था। गुल्ली की ये बात सुनते ही पायलट कहता है कि मेरा मालिक तो मैं खुद हूँ और जिसे तुम मेरा मालिक समझ रहे हो वो मेरा मालिक नहीं है, वो तो सिर्फ महीने के मुझे पैसे देता है। लेकिन वो सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि गुल्ली घर के अंदर अभी तक सामान ही पैक करने में क्यों लगा है। तुम लोगों को ये सब पहले ही कर लेना चाहिए था, जब तुम लोगों को पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ तो तुम लोगों को सारा सामान पहले ही पैक कर लेना चाहिए था। ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली तुम घर के अंदर क्या करने में लगे हुए हो, जल्दी से बाहर आओ वरना हम लोग तुम्हें छोड़कर यहाँ से निकल लेंगे और तुम बाद में यहाँ पर अकबकाते रहना कि मुझे लेकर क्यों नहीं गए। तभी घर के अंदर से गुल्ली कहता है कि आ ही रहा हूँ, बस दो मिनट रुको। ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि गुल्ली को सामान पैक करने में लगा हुआ है, उसने कहा कि दो मिनट रुकना है तो फिर तुम्हें दो मिनट रुकना ही होगा। लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और गुल्ली घर के बाहर एक बैग लेकर आने लग जाता है। गुल्ली को आता देखकर बुल्ली काफी खुश हो जाता है। अब गुल्ली बुल्ली हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और हवा में उड़ेंगे, ये सब सोच कर गुल्ली और बुल्ली काफी खुश हो रहे थे। लेकिन बुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बैग में क्या है। बुल्ली यही बात गुल्ली से पूछ देता है कि तुमने इस बैग में आखिर क्या रखा है, मुझे लग रहा है कि तुमने इसमें खाने पीने का कुछ सामान रखा है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता है कि अगर खाने पीने का सामान हम लोग हेलीकॉप्टर में खाएंगे तो सारा सामान इधर उधर उड़ जाएगा, और आखिर तुमने इतने सारे खाने पीने का सामान क्यों रखा है, हम लोगों को तो इतना भूख लगेगा भी नहीं क्योंकि हम लोग मौज मस्ती करते हुए जाएंगे और हवा का मजा लेते हुए जाएंगे। गुल्ली की बात सुनते ही गुल्ली कहता है कि इस बैग में मैंने तुम्हारे लिए कुछ सामान नहीं रखा है, मैंने सोन के लिए कुछ खाने पीने का सामान रखा है और हम लोग रास्ते में इसे नहीं खाने वाले हैं, हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद इस पूरे बैग को सोन को दे देंगे। गुल्ली बुल्ली की सारी बातें सुन सुनकर पायलट कहता है कि तुम लोग क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो सब छोड़ो, जल्दी से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठो क्योंकि काफी देर हो रहा है, मुझे जल्दी जाना है और जल्दी आना है। मैं तुम लोगों को सोन के नानी घर पहुंचाते ही वहां से निकल लूंगा क्योंकि मुझे काफी जरूरी काम है और मैं उसके लिए वहां रुक नहीं सकता, और मेरे लिए नाश्ता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सुबह खा कर आया हूं। गुल्ली कहता है, ठीक है लेकिन तुम्हें दे कौन रहा है नाश्ता, पहले ये बता। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली हेलीकॉप्टर में बैठने का फैसला करते हैं। वैसे तो गुल्ली बुल्ली काफी सारे हेलीकॉप्टर में पहले बैठ चुके हैं, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में गुल्ली बुल्ली पहली बार बैठ रहे हैं, इसलिए गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। थोड़ी देर बाद गुल्ली हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, लेकिन बुल्ली बाहर ही खड़ा होता है। लेकिन बुल्ली बाहर क्यों खड़ा है? गुल्ली जैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठता है तो गुल्ली इधर उधर देखने लग जाता है। गुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतना बड़ा हेलीकॉप्टर हवा में कैसे उड़ जाता है। अरे बुल्ली तुम यहाँ क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें नहीं जाना है? अरे गुल्ली मुझे जाना है, लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि तुमने घर का दरवाजा क्यों नहीं बंद किया है, क्या तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो कि तुम घर का दरवाजा ही बंद करना भूल जाओ? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि घर का दरवाजा अगर हम लोग खुला छोड़कर चले जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। तभी गुल्ली कहता है, तो फिर बुल्ली तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दो वरना कोई चोर अंदर ना घुस जाए। ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, अरे पागल अगर कोई चोर घर के अंदर घुस जाएगा तब तो वो घर के अंदर ही फंस जाएगा। बुल्ली की ये बात सुनते ही गुल्ली कहता है, अरे बुल्ली मजाक करने का टाइम नहीं है, जल्दी से गेट बंद करो और हेलीकॉप्टर में आकर बैठो, हम लोगों को यहाँ से जाना भी है। गुल्ली बुल्ली की सारी बातें सुन सुनकर पायलट को फिर से गुस्सा आने लग जाता है। बुल्ली जैसे ही पायलट को देखता है तो वो काफी डर जाता है और फिर बुल्ली जल्दी से घर का दरवाजा बंद करने के लिए जाने लग जाता है। बुल्ली ये सोचने में लगा हुआ था कि अभी तो शाम हो रही है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, पता नहीं रात को हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा। थोड़ी देर में बुल्ली घर के दरवाजे को बंद कर लॉक कर देता है और फिर वहां से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लग जाता है। बुल्ली काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अब ये हेलीकॉप्टर में बैठने वाला है और फिर ये लोग अब उड़ेंगे।
थोड़ी देर में बुल्ली भी हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और फिर थोड़ी देर में पायलट हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देता है और यहाँ से जाने लग जाता है। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर काफी ऊपर चला जाता है। गुल्ली बुल्ली को ज्यादा ऊंचाई से काफी डर लगता है, इसलिए गुल्ली बुल्ली पायलट से कहते हैं कि हेलीकॉप्टर को ज्यादा ऊपर ना चलाए। पायलट गुल्ली बुल्ली की बात मान लेता है और हेलीकॉप्टर को काफी नीचे नीचे चला रहा होता है। गुल्ली बुल्ली जहाँ जाने वाले हैं वहाँ जाने में गुल्ली बुल्ली को रात हो जाएगा, लेकिन अभी गुल्ली बुल्ली को काफी मजा आ रहा है क्योंकि ये लोग मौज मस्ती करते हुए हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली काफी दूर निकल आते हैं और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। गुल्ली बुल्ली को डर लग रहा है क्योंकि जब रात हो जाएगी तो गुल्ली बुल्ली आसपास का नजारा नहीं देख पाएंगे और जैसा गुल्ली बुल्ली सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। थोड़ी देर में रात होने लग जाती है और कुछ भी दिखाई नहीं देने लग जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन तभी अचानक से हेलीकॉप्टर का एक इंजन खराब हो जाता है और हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आने लग जाती है। गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। हेलीकॉप्टर का एक इंजन खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाएगा और हेलीकॉप्टर अचानक से गिर भी सकता है, इसलिए पायलट कुछ दिमाग लगाता है और हेलीकॉप्टर को वो धीरे धीरे उतारने लग जाता है ताकि कुछ बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए। हेलीकॉप्टर के रुकने के बाद पायलट इधर उधर देखने लग जाता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और यहाँ पर कोई मदद करने वाला है या नहीं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अभी रात हो रहा है और इसलिए दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही कोई आदमी आसपास दिखाई दे रहा है। पता नहीं लोगों की मदद कौन करेगा। जल्दी से किसी आदमी से मदद मांग कर इन लोगों को हेलीकॉप्टर का इंजन को ठीक करवाना होगा, तभी ये लोग सोन का नानी घर पहुंच पाएंगे, नहीं तो आज रात भर ये लोग यहीं रुके रह जाएंगे। और वैसे भी ये जंगलों का इलाका है, यहाँ कभी भी कोई भी जानवर आ सकता है और अगर यहाँ कोई जानवर आ गया तो गुल्ली बुल्ली नानी घर की जगह कहीं और ही पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली और पायलट हेलीकॉप्टर से उतर जाते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद गुल्ली बुल्ली अपने आसपास का एरिया देखते हैं, तभी गुल्ली कहता है वो सामने में किसका घर है, शायद वहाँ कोई होगा। लेकिन आखिर उधर कौन सा घर है जिसे देखने में गुल्ली बुल्ली लगे हुए हैं। अरे ये क्या, सामने में तो एक घर है और ये घर काफी पुराना लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई रहता ही नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों गुल्ली बुल्ली को ये घर थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। दोस्तों आपने इस घर को कहाँ देखा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। गुल्ली बुल्ली को ये घर थोड़ा अजीब भी लग रहा है। गुल्ली बुल्ली को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गुल्ली बुल्ली को मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। तभी पायलट कहता है कि तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, इस घर के अंदर जरूर कोई ना कोई रहता होगा क्योंकि सामने में देखो लैंप जला हुआ है और लैंप को किसी न किसी ने तो जलाया ही होगा, और अगर लैंप को किसी ने जलाया है तो फिर यहाँ जरूर कोई ना कोई आदमी मौजूद होगा, मुझे लग रहा है कि घर के अंदर कोई होगा। चलो हम लोग घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं, अगर कोई आदमी होगा तो हम लोग उससे मदद मांग लेंगे। तभी बुल्ली कहता है अरे तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये घर पूरी तरह से हॉन्टेड है, हम लोगों को यहाँ नहीं जाना चाहिए और अगर हम लोग यहाँ जाएंगे तो हम लोग कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसलिए हम लोगों को इस घर से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, चलो हम लोग कहीं और चलते हैं। बुल्ली की ये बात सुनते ही पायलट कहता है कि तुम तो हमेशा से डरपोक ही रहोगे, मुझे पता था कि तुम लोग डरपोक हो और तुम लोग मेरे साथ इस घर के अंदर नहीं जाओगे, मैं जा रहा हूँ अकेले ही मदद मांगने के लिए। और वैसे भी हम लोग कहीं और कहाँ जाएं, हेलीकॉप्टर को लेकर अब हम लोग कहीं नहीं जा सकते क्योंकि अब ये हेलीकॉप्टर उड़ेगा ही नहीं, और अगर ये हेलीकॉप्टर उड़ भी गया तो ये हेलीकॉप्टर कभी भी गिर सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। ये बात सुनते ही गुल्ली कहता है अगर तुम्हें मदद मांगने के लिए इस घर के अंदर जाना है तो तुम जा सकते हो, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग यहीं खड़े रहते हैं। ये बात सुनते ही पायलट मदद मांगने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है और उस घर की तरफ जाने लग जाता है। थोड़ी देर में पायलट घर के पास पहुंच जाता है। पता नहीं क्यों पायलट को ऐसा लग रहा है कि इस घर के अंदर जरूर कोई ना कोई मौजूद होगा, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर काफी डरावनी आवाजें सुनाई देने लग जाती है, लेकिन हेडफोन लगाने के कारण पायलट को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। थोड़ी देर में पायलट दरवाजे के पास आ जाता है और वो कहता है कि अगर कोई घर के अंदर है तो जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन तभी अचानक से पायलट को कुछ ऐसा चीज दिखाई देता है जिसे देखकर पायलट काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन ऐसा पायलट को क्या दिखा होगा। इधर काफी देर से पायलट गुल्ली बुल्ली के पास नहीं आया है, तभी गुल्ली कहता है अरे क्या हुआ होगा पायलट के साथ। बुल्ली कहता है कि मुझे लग रहा है कि वो जरूर किसी मुसीबत में फंसा हुआ होगा, मैंने कहा था ना कि नहीं जाओ लेकिन उसने मेरी बात मानी ही नहीं थी और अब देखो क्या हुआ, वो तो अभी तक आया ही नहीं, मुझे पता नहीं क्यों काफी डर लग रहा है। गुल्ली हमें जाकर देखना चाहिए कि आखिर पायलट के साथ क्या हुआ है, क्या कहते हो।
और बुल्ली ये भी कहता है कि देखो ना गुल्ली, ये घर देखने में ही कितना डरावना लग रहा है। गुल्ली कहता है कि हाँ बुल्ली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हम लोगों को आगे जाकर देखना चाहिए। अगर पायलट कोई मुसीबत में फंसा हुआ होगा तो हम लोग उसे बचा पाएंगे। थोड़ी देर के बाद गुल्ली बुल्ली घर की तरफ जाने लग जाते हैं। गुल्ली कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। बुल्ली कहता है पहले देख तो लेते हैं कि क्या हुआ। गुल्ली बुल्ली बातें करते हुए घर के पास पहुंच जाते हैं। घर के पास पहुंचते ही गुल्ली बुल्ली इधर उधर देखने लग जाते हैं। गुल्ली कहता है कि यहाँ पर तो पायलट दिखाई नहीं दे रहा है। बुल्ली कहता है हाँ मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, पायलट किधर चला गया। दरअसल गुल्ली बुल्ली घर के आसपास देखे ही जा रहे हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली को पायलट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पायलट के साथ कुछ गड़बड़ हो गया तो पता नहीं गुल्ली बुल्ली सोन का नानी घर कैसे पहुंचेंगे, और आखिर उस हेलीकॉप्टर को कौन उड़ाएगा, क्योंकि गुल्ली बुल्ली को तो हेलीकॉप्टर उड़ाना आता ही नहीं है। तभी बुल्ली कहता है कि देखा गुल्ली, मैंने पायलट से कहा था ना कि आगे मत जाओ, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी थी। मुझे पता नहीं क्यों पहले से ही ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर यही सब कुछ गड़बड़ होने वाला है, और देखो अब ये हाल है। मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी कुछ गड़बड़ है, हम लोगों को यहाँ से निकल देना चाहिए। क्या कहते हो, जल्दी से बताओ, हम लोग पायलट को छोड़कर चले जाएं या फिर हम लोग पायलट को ढूंढें। ये बात सुनते ही गुल्ली कहता है अरे बुल्ली, पहले हम लोगों को पायलट को ढूंढ लेना चाहिए, अगर पायलट के बिना हम लोग यहाँ से जाएंगे भी तो किधर जाएंगे। जाओ तुम आगे जाकर देखो कोई है या नहीं। गुल्ली की ये बात सुनते ही बुल्ली आगे जाकर देखने लग जाता है कि आखिर कोई आगे है या नहीं, और आखिर पायलट किधर चला गया। लेकिन तभी अचानक से बुल्ली को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर बुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है। बुल्ली ने देखा कि पायलट की तो मौत हो चुकी है, और आखिर पायलट को किसने मारा है। और तभी अचानक से बुल्ली को दिखाई देता है कि पायलट के पास में ही एक आदमी बैठा हुआ है, और ये काफी अजीब दिखाई दे रहा है, और इसके पीठ पीछे एक सेंसो भी था। बुल्ली ये सब देखकर काफी डर जाता है, लेकिन तभी अचानक से बुल्ली को ऐसा महसूस होता है कि गुल्ली गायब हो चुका है। और बुल्ली जैसे उधर देखता है तो बुल्ली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उधर से गुल्ली सचमुच में गायब हो चुका था। तभी बुल्ली कहता है कि अरे गुल्ली, तुम कहां चले गए, कहीं तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो, और अगर तुम कोई मजाक कर रहे हो तो मजाक बंद करो, क्योंकि अभी मजाक करने का टाइम नहीं है, देखो इधर क्या हुआ है। लेकिन बुल्ली का कोई भी जवाब गुल्ली नहीं देता है, और अब बुल्ली को काफी ज्यादा डर लगने लगा, पता नहीं गुल्ली के साथ क्या हुआ है। ये देखने के लिए बुल्ली आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और जैसे ही बुल्ली आगे जाने लग जाता है तभी बुल्ली को कुछ ऐसा चीज दिखाई देता है जिसे देखकर बुल्ली तुरंत ही वहीं रुक जाता है। लेकिन ऐसा बुल्ली को क्या दिखा होगा, ओ माय गॉड, बुल्ली ने देखा कि वहां से सरकटा गुजर रहा है, और शायद गुल्ली को सरकटा ही लेकर चला गया है, और अब पता नहीं क्या होगा गुल्ली का। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि गुल्ली के साथ क्या होगा, और क्या बुल्ली भी यहीं पर मारा जाएगा, और वो आखिर कौन था जो कि पायलट के पास बैठा हुआ था। ये सारा कुछ हम लोग पार्ट टू में देखेंगे, और अगर आप पार्ट टू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के टॉप 10 कमेंट, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें।